हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मियाना। और आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज फॉर जूनियर क्लास फोर्थ का चैप्टर 6, द सदर्न प्लेटूस। तो लास्ट हमने पढ़ लिया था डेकन प्लेटूस तक, ठीक है, कि ये डेकन प्लेटू क्या है। तो मैं एक बार शॉर्ट दे देती हूँ डेकन प्लेटू के बारे में, कि डेकन प्लेटू एक प्लेटू है जो सबसे बड़ा प्लेटू है, ठीक है, इंडिया में। और वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में के बीच में होता है, स्थित है, और वहाँ पे भी सबसे बड़ा प्लेटू है, ठीक है, इन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वर्ड यूज़ हो रहा था, तो ये क्या है इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, जो वेस्टर्न घाट हैं वो हिल्स की एक चेन है, ठीक है। हिल्स क्या होती है, हिल्स और माउंटेन में डिफरेंट समझ लीजिए। ये देखो, ये है हिल्स और ये है माउंटेन। तो आप समझ ही सकते हो कि जो हिल्स होती हैं वो छोटे छोटे माउंटेन या फिर माउंटेन का छोटा रूप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हमको हाईएस्ट पीक दी गई है उस एरिया की, है ना। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं वेस्टर्न घाट के हिल्स का, कि नीलगिरी हिल, ये बहुत फेमस है। तो यस, नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट भी ग्रुप्स ऑफ हिल होता है जो पैरेलल होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। पैरेलल वो होती हैं जैसे कि दो लाइन है। अब ये दोनों तो आगे चल के कहीं कोई स्कोप है इनका मिलने का, नहीं। बट अगर यही लाइन कुछ ऐसी सी होती, ऐसी सी, तो इनका देखो यहाँ पे आके मिल गए, तो ये पैरेलल नहीं हुए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि वो दोनों हिल्स जो हैं वो पैरेलल है, मतलब वो ऐसे सी हैं, तो वो दोनों कभी भी मिलेंगी नहीं, ठीक है। और ये ईस्ट साइड में है इंडिया के, ईस्ट वाले कोस्ट में है इंडिया के, किस साइड है इंडिया के, ठीक है। ये जो ईस्टर्न घाट है ये थोड़ा मतलब टूटा फूटा सी जगह है, तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ा टूटा फूटा है, और इसीलिए वहाँ से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स निकलती रहती है। और जैसे कुछ घाट वेस्टर्न घाट से कुछ हिल्स टूटी फूटी है, तो उधर से ही क्या होता है रिवर निकल के जाती है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। ईस्टर्न घाट में जाके वहाँ पे फिर कुछ नया निकल जाता है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जहाँ पे दो घाट मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस हिल को क्या कहते हैं, उस हिल को क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल कहते हैं, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डेकन प्लेट्यू है वो रिच है किस चीज़ में, फर्टाइल्ड ब्लैक सॉइल में, ठीक है, जो मेनली यूज़ होता है क्रॉप ग्रो करने में, कौन से, कॉटन और शुगर केन। तो ये दो क्रॉप ग्रो करने में ये जो डेकन प्लेट्यू है ये बहुत मतलब फेमस है, और वहाँ की ब्लैक सॉइल बहुत फेमस है। कुछ एक दो हम यहाँ पे देख लेते हैं रिवर्स के एग्जांपल्स, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, और महानदी। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो लाइक एक डेल्टा क्रिएट करती हैं बे ऑफ बंगाल में, ये नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और ये जो जगह है ना बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है फार्मिंग की, खेती बाड़ी के लिए, ये बहुत, ये जो जगह है ये बहुत सूटेबल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो रिवर जो सदर्न प्लेटूज में पाई जाती है वो किस टाइप की होती हैं। तो देखो, सदर्न प्लेटूज में, पिछली वीडियो में मैंने गलती से प्लेटूज की जगह प्लेन बोल दिया था, क्योंकि दो तीन जो चैप्टर थे वो प्लेन से रिलेटेड थे, तो गलती से प्लेन निकल गया था, बाकी ये है प्लेटूज, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो सदर्न प्लेटू होते हैं ना वो बहुत पत्थरीली सी जगह होती है, वहाँ बहुत पत्थर पत्थर होते हैं, तो इसीलिए वो बहुत अनइवन जगह होती है, ठीक है, कहीं पे, इसीलिए वहाँ पे जल्दी मतलब पानी, रिवर नॉर्मल जा रही है, अब इधर से टूट गया तो क्या हो गया कि वो नीचे जाके गिरने लग गई, है ना। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल क्रिएट हो गया, झरना बन गया, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे झरने में बनते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिवर है वो लाइक जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे जो उनकी रिवर होती है वो डिपेंडेंट होती है टोटली रेन के ऊपर, बारिश होएगी तभी वहाँ की रिवर हरी भरी रहेगी, मतलब भरी रहेगी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि जो रिवर्स हैं वहाँ की समर में सूख जाती हैं, इसीलिए वहाँ पे वो रेन्स के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो रेंज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो ये रिवर्स होती हैं ये समर में आके सूख जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर थोड़ा या तो पानी नहीं होगा या फिर बहुत थोड़ा पानी होता है, है ना, इसलिए इन रिवर्स को क्या बोलते हैं, सीजनल। जो भी रिवर एक सीजन में आके ड्राई हो जाती है या फिर लुप्त हो जाती है उसको हम सीजनल रिवर कहते हैं, ठीक है। और उनको बचाने के लिए यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं या फिर बिल्ड करे जाते हैं,
क्योंकि जिससे वो बची रहे और उसका थोड़ा थोड़ा पानी हम स्टोर कर लेते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को खेती बाड़ी में पीने के लिए काम आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दिया गया है कि कृष्णा रिवर को बचाने के लिए एक डैम बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नॉर्दर्न रिवर होती है वो यहाँ पे, मतलब देखो बात इन्होंने ये बताई है कि यहाँ पे इन्होंने हमें डेक्कन प्लेट्यू के थोड़े से बताए हैं कि करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जैसे कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बहुत स्लोपी सा होता है, मतलब ऐसा ना होकर वो स्लोपी सा होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उनको ये देख लो, ये जो है हमारी इंडिया, ठीक है, तो वहाँ जो नीचे दो हमारे ये पूरा पैराग्राफ है, ये मैं इसको ही पूरे को शॉर्ट में बता देती हूँ, कहाँ गया ये रहा, तो इसको ये पूरा जो है इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ऊपर चलते हैं एक बार अपने मैप पे, तो ये रहा हमारा मैप, ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया है कि ये प्लेटू जो होता है, रुको, कि ये जो प्लेटू होता है ये कुछ ट्रायंगल सा फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या है कि ये ट्रायंगल तो है बट ये इधर से ऐसे स्लोपी स्लोपी सा है, तो ये वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये स्लोपी होता है और इधर से जो चीज़ है वो इधर आके बह जाती है, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ये वाला जो साइड है ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न साइड घाट है, ठीक है। तो ये इधर से जैसे कोई नदी बह रही है तो आकर इधर बह जाती है, या फिर कोई वेस्टर्न घाट से आ रही है तो वो इधर आकर बह जाती है। तो यही इनका दोनों पॉइंट्स में कहने का मतलब है, इधर थोड़ा ऊंचा रहेगा पूरे में और बाकी इधर से ये नीचा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब लाइफ देखते हैं कि सदर्न प्लेटू में लाइफ कैसी है, मतलब कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। देखो तो जो सदर्न प्लेटू में एक स्टेट आता है जिसका क्या नाम है, मध्य प्रदेश, वहाँ की कैपिटल क्या है, भोपाल है वहाँ की कैपिटल। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो मेनली कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ग्रो करी जाती है, तो वीट करी जाती है, कॉटन करी जाती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि सदर्न प्लेटूज में कॉटन बहुत ग्रो करा जाता है, ठीक है। यहाँ की ये दो मेन क्रॉप होती है और यहाँ पे डायमंड मतलब खुदाई करी जाती है, तो माइन मतलब खुदाई करी जाती है, तो यहाँ पे डायमंड निकाले जाते हैं। देखो माइन का मतलब खुदाई होता है, एक गेम है माइनक्राफ्ट, है ना, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, तो वो गेम भी खुदाई पे ही बना है, हाँ। तो यही मतलब है कि माइन का मतलब क्या होता है, खुदाई, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं जो लोकेटेड है पन्ना में एक जगह है, वहाँ पे अगर आप खुदाई करते हो तो वहाँ पे डायमंड निकलते हैं, पर डायमंड ऐसे नहीं निकल जाते हैं, वो थोड़ा कोयला जैसे दिखते हैं, काला काला उसी में, पर फिर जब उसको ले जाकर साफ करते हैं तो डायमंड निकल जाता है एक दो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि और बहुत सारा पार्ट जो मध्य प्रदेश का है वो कवर होता है फॉरेस्ट से, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश है वो कवर है फॉरेस्ट से, यहाँ के जो मतलब बहुत सारे लाइफ वाइल्ड लाइफ पार्क भी हैं, मतलब कि वहाँ पे जानवर खुले घूमेंगे, आपको बस उसमें बैठना होगा जीप पे और आपको वो घुमाएंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, ठीक है। ये जो पार्क्स होते हैं ये प्रोटेक्टिंग के लिए होते हैं, कुछ ऐसे जानवरों के की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं जो लुप्त हो रहे हैं, जैसे कि टाइगर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, मेन जो फेमस है वो टाइगर है। नेक्स्ट कि ये जो यहाँ पे ना बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन भी हैं, जैसे कि पंचामरी जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड है, यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग घूम रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ जो है वो एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ जो फॉर्म हुआ था कौन से थाउजेंड में, 2000 में, ठीक है, 2000 ईयर में, जैसे कि 2021 उस टाइप से 2000 भी था, तो उसमें ये छत्तीसगढ़ फाउंड करा गया था, ठीक है, बनाया था, ये पहले नहीं था, 2000 में ही आया है, ओके। तो पहले ये मध्य प्रदेश में आता था बट फिर ये 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया, मतलब कि जैसे ये एमपी है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पार्ट निकल गया अपना और वो क्या बन गया, वो बन गया छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की जो लैंग्वेज स्पोक करी जाती है छत्तीसगढ़ में इंक्लूड, तो वो हिंदी होती है और छत्तीसगढ़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ की कैपिटल जो है वो रायपुर है और यहाँ का मेन क्या है, फार्मिंग है यहाँ की इम्पोर्टेंट एक्टिविटी स्टेट में।
और जैसे हमने एक न्यू अपडेट लाया है कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बुक नहीं होती है, तो अगर उन्हें पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे हम क्विज भी खेलते हैं और साथ ही में हम वहाँ पे वीडियोस की लिंक और पीडीएफ डालते हैं, तो वहाँ पे आप उन्हें देख सकते हैं, पीडीएफ को आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ की मेन क्रॉप कौन सी ग्रो करी जाती है, तो वो है राइस। ठीक है, राइस और मेन राइस जो है वो मेन यहाँ का पूरा क्रॉप है, ग्रो करी जाती है यहाँ पे जो। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि बीटल और लसीन और बीटल और वाटरमेलन भी यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं बहुत लाइक मेनली। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो ये यहाँ का जो रीजन होता है ये मिनरल्स और कोल मैंगनीज से और आयरन से भरा है, मतलब यहाँ पे भी खुदाई करोगे तो आपको नीचे धरती से मिनरल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि देयरफॉर बहुत से लाइक मिनरल्स और लोकेटेड होते हैं स्टेट्स में। मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ पे इस लाइन का कि मैग्नीशियम, कोल, आयरन की तरह और भी बहुत सारे मिनरल्स हमें इस स्टेट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री का होम इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी सारी मिनरल्स निकल रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट, मतलब कि लार्जेस्ट स्टील प्लांट का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील बनाया जाता है या फिर स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्री कह सकते हैं हम यहाँ पे इसको कहा जाता है, जो लोकेटेड है इसी रीजन में, मतलब कि छत्तीसगढ़ में ही है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि झारखंड, तो ये जो झारखंड है ये स्टेट है, ये भी फॉर्म हुआ था 2000 में, जो पहले बिहार का पार्ट था फिर अलग हो गया। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, रांची है इसकी कैपिटल। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ के जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करे जाते हैं तो वो है होली, दिवाली, ठीक है, छठ, और यहाँ पे जो मतलब इनकी एक फेस्टिवल है सहरुलू, तो उसमें यहाँ पे ये अपने ही कुछ ट्राइबल मतलब ये लोग अपने ही साला ट्री को ये लोग वर्शिप करते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, और जो झारखंड है वो नेचुरल चीज़ों से और कोल, कॉपर, मिनरल, आयरन इन सबसे बहुत ज़्यादा भरा है, मतलब यहाँ पे भी बहुत माइनिंग करी जाती है और यहाँ पे भी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है लोकेटेड है जो झारखंड में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे वास्ट फॉरेस्ट भी होते हैं यहाँ पे, है ना, उन्हीं को तो खोदते हैं तो वहीं से तो निकलते हैं सब भाई, है ना, कॉपर्स और आयरन ये सब वहीं से ही निकलते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि बस यही उनका यही कहने का है कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इनका कुछ अम्बा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करे जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे उड़ीसा, तो भाई साहब मैं उड़ीसा गई हूँ और इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ की कैपिटल कौन है, भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ पे लोग मेनली क्या उड़िया स्पीक करते हैं, यहाँ की जो भाषा है वो उड़िया स्पीक करते हैं। यहाँ का पॉपुलर डांस क्या है, उड़ीसी। ठीक है, और इसी स्टेट में ये बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ के जो मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं जैसे कि राइस और जूट, क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि ये भी फिर से रिजर्व मिनरल्स के लिए फेमस है, मतलब फिर से वही माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि उड़ीसा जो है फेमस, मेरा मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी लाइक यहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आए दिन बनती रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो जैसे कि नेक्स्ट ये बोल रहे हैं जैसे कि मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, मतलब कि जहाँ पे माल मिल रहा है अब वहाँ पे ही आके व्यापारी लोग अपना खोलेंगे ना कंपनी वगैरह, तो यहीं पे इनका यही कहना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि उड़ीसा जो है वहाँ पे फेमस सिटीज जो है इसकी पूरी है और कोणार्क एक जगह है, वहाँ पे एक फेमस टेंपल है ये, और यहाँ पे रथ यात्रा करी जाती है जो बहुत लाइक पॉपुलर और अट्रैक्टिव जगह है। जगह नहीं है, रथ यात्रा तो एक फेस्टिवल है जिसमें ये अपने भगवान को लेके पूरे स्ट्रीट से जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये। देखो यहाँ पे ये रथ यात्रा हो रही है,
तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, जिसको अब हम मुंबई बोलते हैं, मतलब उसकी कैपिटल क्या है, मुंबई है, पर महाराष्ट्र से ही मेरे दिमाग में मुंबई आ जाता है। बट लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र का दूसरा नाम नहीं, मुंबई उसकी कैपिटल है, ठीक है। देखो महाराष्ट्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है इंडिया के, जो डेक्कन प्लेट्यू के पास ही है, ठीक है, वो एक मतलब पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का जो महाराष्ट्र है। मुंबई जो है वो कैपिटल है इस स्टेट की, और यहाँ के ज़्यादातर क्या बोला जाता है, मराठी बोली जाती है यहाँ पे मेनली जो बोली जाती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली, नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। बहुत से लोग तारक मेहता देखते होंगे, तो उन्होंने इन सब फेस्टिवल्स को मतलब बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हुए देखा होगा, है ना, उस क्योंकि वो सीरियल ही वहीं का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि लावणी जो है इनका पॉपुलर डांस है इस स्टेट का। तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।